तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संदीप सिंह और उसके गलत कारनामे। इसमें मिस्ट्री गर्ल के ऊपर भी बात करेंगे और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मिस्ट्री गर्ल है ये क्यों अहम है। हालांकि स्मिता पारिक ने कहा था कि मिस्ट्री गर्ल को सीबीआई ने बुलाया था और जब वो अंदर गई थी उन्हें तो उन्होंने मिस्ट्री गर्ल को देखा था। सवाल बताएं जो आपको लग रहा है कि ये केस सही डायरेक्शन में चल रहा है, जहाँ सही डायरेक्शन चल रही है। टोटली अंदर संदीप सिंह बैठे हैं और वो मिस्ट्री गर्ल भी बैठी हुई है, तो आई थिंक हम सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको पता है मिस्ट्री गर्ल कौन? जो मिस्ट्री गर्ल काफी दिनों से न्यूज में चल रही थी, मैंने देखा नहीं, सब मास्क पहन के बैठे हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आराम से एक लंच खा रही थी। तो एक प्रश्न जो मेरा खड़ा होता है, स्मिता पारिक को कैसे पता कि वो जो वहाँ पे महिला उपस्थित थी ये वही मिस्ट्री गर्ल थी जो उस वीडियो में दिखाई देती है? ये एक मेरा प्रश्न है, एक लॉजिकल प्रश्न है कि स्मिता पारिक क्या पहले से जानती थी कि जो गेट पे जिस लड़की को लेके हम सब बात कर रहे हैं वो मिस्ट्री गर्ल कौन है, और उन्हें सीबीआई के दफ्तर में पहुँच के कैसे पता लग गया कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन है? तो भैया सीबीआई में भी इनके इतने सोर्सेस हैं, मानना पड़ेगा कि अंदर जाके सीबीआई ने बता रही है हाँ ये वही मिस्ट्री गर्ल है जो वीडियो में दिख रही थी। खैर जो भी है, आगे बात करते हैं इस मिस्ट्री गर्ल और संदीप सिंह को लेके। तो आपने देखे होंगे विजुअल्स जो मीडिया के द्वारा शूट किए गए थे और उन विजुअल्स को हम करीब से देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि बहुत ही बुरा झोल है। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी तब जब मिस्ट्री गर्ल अंदर भागी भागी जाती हुई दिखती है, जैसे कि आपको इस विजुअल में दिख रही होगी बहुत क्लियरली कि मिस्ट्री गर्ल बाहर गेट पे आती है और उसके बाद अंदर भागी भागी जाती है, तो उसके लिए गेट खोल दिया जाता है और वो अंदर जाती है। तो आपको वहां पे अंदर जाते वक्त यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एम्बुलेंस खड़ी है, तो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी अभी उनके अपार्टमेंट में ऊपर है और ये लड़की तब अंदर जा रही है। क्लियरली यहाँ पे आपको विजुअल में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से वो क्रॉस कर रही है और यहाँ पे पीछे एम्बुलेंस खड़ी है। तो क्लियर हो गई एक चीज कि एम्बुलेंस उस टाइम पे थी जब ये मिस्ट्री गर्ल वहां पहुंचती है। लेकिन एक दूसरा विजुअल है जिसको हमने टाइम्स नाउ पे देखा और उसमें जब आप देखते हो तो आपको क्लियरली दिखता है कि मिस्ट्री गर्ल एक दूसरी लड़की के साथ बाहर आ रही है और वो जो लड़की और ये मिस्ट्री गर्ल बाहर आ रहे हैं तब पीछे एम्बुलेंस नहीं दिखाई देती। इन द फुटेज इज राधिका निहलानी एंड रियाज असिस्टेंट एज पर एक्टर शिबानी दांडेकर, बट द क्वेश्चन इज व्हाई वाज संदीप सिंह अराउंड द सीन व्हेन ही हैड नॉट बीन इन टच विद सुशांत और रिया फॉर ऑलमोस्ट 10 months। सो सुशांत सिंह राजपूत सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड संदीप सिंह was not in touch with the actor for 10 long months and then all of a sudden on the day of Sushant Singh Rajput's death he appears and then he was seen all over the place from Sushant's flat to the hospital and also outside the morgue. In fact, in this particular video Sandeep Singh can be seen talking to two women. One of them is Radhika Nilani is what we are being told, and another one is Riya's assistant. This has been confirmed by actress Shibani Dandekar. But what was he talking about to these two women, and what in fact was Sandeep Singh doing in the first place, taking charge of the entire situation, something that family friends of Sushant Singh Rajput also have questioned. Ab yahan pe ye ladkiyan Sandeep Singh se baat kar rahi hai aur baat karke Sandeep Singh andar ki taraf chala jata hai aur ye ladki bahar aati hai, lekin gaur karne wala point hai ki bhai piche ambulance nahi hai. Aapne ek cheez dekhi पहले वाले विजुअल में जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एम्बुलेंस वहां पे थी जब ये लड़की जाती है, लेकिन जब ये बाहर आ रही है तो एम्बुलेंस नहीं है, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में एक यही पॉइंट आएगा कि भाई एम्बुलेंस चली गई होगी, जब वो गई तब सुशांत की बॉडी थी और जब बाद में नीचे आके सुशांत की बॉडी लेके एम्बुलेंस निकल गई है तब का विजुअल होगा। लेकिन यहां पर एक झोल है और वो झोल ये है कि ये लड़की जब निकल रही है तब संदीप सिंह क्लियरली आपको दिख रहा है वहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस के जाने के बाद जब एम्बुलेंस वहां से निकली उसके बाद आपने देखा होगा संदीप सिंह हर वक्त मीतू सिंह यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन थी उनके साथ था। लेकिन इस विजुअल में जो इसमें ये मिस्ट्री गर्ल के साथ दिख रहा है यहां पे कहीं पे भी सुशांत की बहन नहीं दिख रही है। तो सवाल एक ये खड़ा होता है कि ये विजुअल आखिर किस वक्त का है? क्या ये भाई उससे पहले वहां पर पहुंची थी? आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा झोल नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मृत्यु के बाद जब एम्बुलेंस निकल गई थी तब संदीप सिंह हर वक्त बहन के साथ था और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वीडियो कब का है? क्या ये पहले का वीडियो है, पूर्व का वीडियो है, ये उससे पहले भी लड़की गई थी जब हमने विजुअल में देखा जब एम्बुलेंस दिखाई दे रही है तो क्या उससे पहले भी गई थी, संदीप सिंह से बात हुई है, तो क्या ये पहले क्राइम सीन पर उपस्थित थे? ये गंभीर प्रश्न है और ये बहुत ज़रूरी है, इसे पूछा जाना चाहिए। तो आखिर सीबीआई इस विषय में जाँच करे, इस चीज़ को देखे परखे,
अगर अभी तक उनकी नज़र इस चीज़ पे नहीं पड़ी है, तो इस विजुअल पे नहीं पड़ी है, तो ये एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ भाई शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये लॉजिकल लगे तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं, आप मेरे को फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।